गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं सर्कल्स, जो क्लास 6 to 9 तक हमेशा यूज होता है। आप लोग को इससे डर भी लगता है कि सर्कल, व्हाट इज सर्कल, सर्कल होता क्या है, सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आइए हम जानते हैं और इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल, सर्कल होता क्या है, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रेडियस क्या है, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, क्वाड क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि हम सम पॉइंट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उनको आपस में क्या कराते हैं, कलेक्शन कराते हैं, ज्वाइन कराते हैं, आपस में ज्वाइन कराएंगे। और इसमें क्या है, ये भी लिखा है कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पॉइंट लेते हैं जो हम इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। एंड द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये है, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टच करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस। इसका मतलब रेडियस क्या निकल के आया, कि सेंटर से किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टच करते हैं तो क्या होता है, ये सब रेडियस होते हैं। उसके बाद डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, सेंटर है, सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइंस होती है हमारी, जो पास आउट होती है लाइंस ए टू बी, ये हमारा क्या होता है, डायमीटर। और हम ये भी जानते हैं डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, और रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। यहाँ निकल के ये आया है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर होता है, और यहाँ सेंटर से लेकर बी तक या सेंटर से ए तक डिस्टेंस जो होता है आर आर, ये पूरा हम मिलाएंगे दोनों को तो क्या होता है, 2R। 2R ही हमारा क्या होता है, डायमीटर। क्लियर है? अब आगे हम ये पढ़ेंगे सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस आइए जानते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ये सर्कल है, सर्कल की जो पूरा बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री होती है हमारी, यही क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस हम क्या जानते हैं, इक्वल टू 2πr। फार्मूला हमारा क्या होता है, 2πr या c इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, कभी कभी ये भी राइट रहता है c इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3.14। क्लियर है? सर्कमफ्रेंस आपको समझ में आया, जो सर्कल की बाउंड्री होती है जिसे पेरीमीटर बोला जाता है, यही पूरा क्या होता है, हमारा सर्कमफ्रेंस होता है। तो अब आइए जानते हैं क्वाड के बारे में, आशा है कि आप राइट कर लिए होंगे और समझ भी आया होगा। फोर्थ पे आते हैं, क्वाड पे, जो क्वाड हमारा होता है, ये सर्कल है, ये सेंटर है सर्कल का, ये जो होता है हमारा, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होती है, और ये क्वाड ऐसे भी हो सकता है या सेंटर से भी हो सकता होके जा सकता है। जो हमारा बिग क्वाड होता है, बिग क्वाड इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो क्वाड है हमारा, बिग क्वाड जो होता है, बिग क्वाड यहां तक ये, और ये यही हमारा क्या होता है, डायमीटर। इसका मतलब ये पता चला, जो हमारा बिग क्वाड होता है वही क्या होता है, डायमीटर इक्वल होता है। और ये क्या है, आप ये क्वाड ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, आपको रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, क्वाड समझ में आ गया होगा।
और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।